नाम डीडी सिंह है और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पैटर्न का प्रोग्राम पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें आउटपुट देखना है कि एग्जैक्टली हम कैसा पैटर्न बनाने जा रहे हैं। मैंने किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो सिंपल उसके सिर पर राइट क्लिक करना है और ये एग्जीक्यूट करना है, ये वाला हमें पैटर्न तैयार करना है। आपको इस पैटर्न में ये समझना होगा कि जिस नंबर की रो पर है उतने ही स्टार प्रिंट हो रहे हैं। जैसे हम पहली वाली रो पर हैं तो हमारा एक स्टार है, दूसरे नंबर की रो पर है तो दो स्टार हैं, तीन नंबर पर है तो तीन स्टार हैं, एंड सो ऑन। और यहां पे ओवरऑल रोज कितनी है, पांच। सो इसे एक बार प्रैक्टिकली करके हम समझेंगे। इस प्रोग्राम को हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले एवरीबॉडी नोज क्लास से कीवर्ड है, दिस इज द क्लास नेम। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। हमने दो वेरिएबल बनाए, वन इज आई और सेकंड वन इज व्हाट, जे। आई नॉर्मली हम आउटर लूप में यूज करते हैं और जे को हम इनर लूप के अंदर यूज करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना जो आउटर लूप होता है वो फॉर रोज होता है और जो अंदर वाला जो लूप होता है वो फॉर कॉलम्स होता है। तो जैसे ओवरऑल हमारे पास कितनी रोज थी, पांच थी, तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी है, वन लेस देन इक्वल टू फाइव। इसे एक बार समझते हुए चलते हैं। मैंने यहां पर लिखा आई की वैल्यू कितनी लिखी हमने, वन। वन फाइव से छोटा होता है, नीचे आया जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू आई। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिस नंबर की रो पर हो और उतने ही हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हो या स्टार प्रिंट करा रहे हो जिस नंबर की रो पर है, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना जे लेस देन इक्वल टू आई आएगा। तो आई की वैल्यू कितनी थी, वन, जे की वैल्यू भी कितनी है, वन। जैसे मैं यहां पर जे की वैल्यू वन लिख देता हूं, वन वन के बराबर होता है, एक स्टार प्रिंट हुआ यहां पर। सो मैंने भी यहां पर एक स्टार बना लिया। अब जे की वैल्यू कितनी हुई, टू। क्या टू वन से छोटा होता है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई इस लूप से बाहर निकलेगा और प्रिंट एलन, प्रिंट एलन का मतलब नई लाइन पर आएगा। अब यहां से फिर हम ऊपर वाले लूप पर गए और अब इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस यानी कि वन की जगह पर कितना हो गया, टू। सो इसे मैं एक बार इरेज करता हूं सारा कुछ और फिर से, अब के आई की वैल्यू मैंने कितना रखा, टू। टू लेस देन फाइव होता है। एक बात ध्यान रखनी होगी, जब जब ऊपर वाले लूप से हम अंदर वाले लूप में आएंगे, अंदर वाले लूप को पूरी लाइफ मिलती है, यानी कि फिर से उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। जे की वैल्यू अभी इस समय कितनी है, वन है। वन टू से छोटा होता है, एक स्टार और प्रिंट हुआ। पहला वाला एक स्टार तो यहां था ही था, उसके बाद जे प्लस प्लस, वन की जगह टू हुआ, टू टू के बराबर होता है और एक स्टार प्रिंट हुआ, दिस वन। सो जैसे ही जे की वैल्यू अब थ्री हुई होगी, थ्री इज नॉट लाइक लेस देन टू, तीन दो से छोटा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स होगी और हम अंदर वाले लूप से बाहर निकले। अब कंट्रोल कहां पर आ गया होगा, इस जगह पर। आई की वैल्यू जैसे ही नीचे से फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू अब कितनी होगी, होगी तीन। तीन पांच से छोटा होता है, ये कंडीशन फिट हुई, जब जब ऊपर वाले लूप से वो अंदर वाले लूप में आएगा, अंदर वाले लूप की शुरुआत फिर बिल्कुल वन से होगी। जैसे यहां पर जे की वैल्यू वन दे रखी है, तो अब ये लूप कितनी बार चलेगा, वन टू थ्री। तो यहां पर कितने स्टार आएंगे बताइए, तीन स्टार आएंगे। जैसे ही जे की वैल्यू फोर होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, इससे बाहर निकलेगा। अब आई की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, फोर। फोर इज लेस देन फाइव, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई फिर से वो नीचे आया और अब ये लूप कितनी बार चलेगा, वन टू फोर। तो इसमें कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे बताइए, ओवरऑल इसमें चार स्टार प्रिंट होंगे। फिर से ये कंडीशन फॉल्स होगी, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइव। फाइव फाइव के बराबर होता है, अब ये लूप कितनी बार चलेगा, पांच बार। तो इस केस में कितने स्टार प्रिंट हो रहे होंगे हमारे, पांच स्टार। सो जैसे ही फिर से ये कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ही इसकी वैल्यू सिक्स होगी, सिक्स इज नॉट लेस देन फाइव, ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू सिक्स हो गई। क्या सिक्स फाइव से छोटा होता है, नहीं होता, तो फिर वो आउटर लूप से भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। सो इस डेमो में आपको क्या समझना चाहिए, जैसे रोज अगर पांच है तो
तो ऊपर वाला लूप कैसे चल रहा है, 1 to 5, यहां पर जिस नंबर की रो पर है उतने ही अगर आप स्टार प्रिंट करा रहे हैं, जैसे पहली पर है तो 1, दूसरी पर है 2, तो यहां पर आपको ये सिचुएशन याद रखनी होगी, जे लेस देन इक्वल टू आई। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।